नमस्कार, मैं हूं जय श्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। प्रदेश में मंगलवार 8 जून से अनलॉक के दूसरे फेज की शुरुआत होगी। सरकार ने इसे मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 का नाम दिया है। अब इसमें आम जन के फायदे से जुड़ी क्या बातें होंगी ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। हालांकि गाइडलाइन अभी जारी होना बाकी है, तो चलिए देख लेते हैं इस अनलॉक में आपके लिए क्या खास हो सकता है। अनलॉक का मॉडिफाइड लॉकडाउन में बाजार खोलने का समय बढ़ाकर 4 बजे तक किया जाएगा। दिन में 12 बजे की जगह शाम 5 बजे से कर्फ्यू का समय किया जाएगा। लॉकडाउन में 12 घंटे की छूट मिलना तय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में देर रात हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों ने बाजार खुलने का समय बढ़ाने का सुझाव दिया। अब मुख्यमंत्री गाइडलाइन को मंजूर करेंगे। सोमवार को नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। प्रदेश में 23 मई को जारी लॉकडाउन की गाइडलाइन 8 जून सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी। अनलॉक के दूसरे फेज में सबसे बड़ी छूट बाजार खुलने का समय बढ़ाने की दी जाएगी। सभी तरह की दुकानें खुलने का समय 4 बजे तक किया जाएगा। अभी बाजार खुलने का समय 6 से 11 बजे है। मेडिकल की दुकानें पहले ही पूरी समय पर खुलेंगी। नई गाइडलाइन में पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को चलाने और एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन की छूट के अलावा बाकी पाबंदियां जारी रहेगी। शादी समारोह पर पाबंदी भी जारी रहेगी। केवल 11 लोग घर पर ही शादी में शामिल हो पाएंगे। शादी में किसी तरह के समारोह, बारात, भोज की अनुमति नहीं होगी। शादी समारोह पर 30 जून तक पाबंदी का प्रावधान बरकरार रहेगा। नई गाइडलाइन में दिन का कर्फ्यू खत्म करके केवल नाइट कर्फ्यू लागू किया जा सकता है। अभी वीकेंड कर्फ्यू के अलावा हर दिन दोपहर 12 बजे के बाद कर्फ्यू रहता है। बाजार खुलने का समय 4 बजे तक करने पर दिन का कर्फ्यू 12 बजे की जगह शाम 5 बजे से किया जाना है। मंगलवार से प्रदेश भर में बाजार खुलने के साथ एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों से आने जाने पर रोक हट जाएगी। नई गाइडलाइन में एक जिले से दूसरे जिले में आने पर रोक लगी हटाई जाएगी। प्रदेश में 10 मई से एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन पर रोक लगी हुई है। प्रदेश में 10 जून के बाद निजी और रोडवेज की बसें शुरू हो पाएंगी। करीब एक महीने बाद प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा। 10 मई से ही रोडवेज की बसें बंद है। निजी बसें मई के पहले सप्ताह में ही बंद हो गई थी। प्रदेश में अनलॉक 2 में भी वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना पॉजिटिव केस 10,000 से नीचे आने तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। अभी प्रदेश में 21,000 के आसपास पॉजिटिव केसेस हैं। कोरोना केस कम होने की यही रफ्तार रही तो सप्ताह भर बाद कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 10,000 के नीचे आ जाएगा और उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू से भी छूट मिल जाएगी। ऐसे बाजार जहां केवल बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं और सेंट्रल एसी वाले नहीं हैं, उन्हें खोलने की अनुमति होगी। नॉन एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें एक फ्लोर छोड़कर खुलेंगी। एक फ्लोर खाली रहेगा, फिर दूसरे फ्लोर पर दुकानें खुलेंगी, फिर उसके ऊपर का फ्लोर खाली रहेगा। यह व्यवस्था हर नॉन एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का व्यापार मंडल और मैनेजमेंट मिलकर तय करेगा। अब देख लेते हैं कि अनलॉक 2 में क्या क्या खुला रहेगा। मॉल्स और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर सभी बाजार, सभी सरकारी दफ्तर, निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने की छूट होगी। फल सब्जी की दुकानें, मंडियां खुलने का समय सुबह 6 से शाम 4 बजे का संभव है। डेयरी, दूध की दुकानों का समय भी बढ़ सकता है। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट 4 बजे तक खोलने का समय संभव है। ई मित्र, आधार केंद्र 4 बजे तक खुल पाएंगे। निजी वाहनों के पेट्रोल पंप से दोपहर 12 बजे तक पेट्रोल डीजल भरवाने के समय में भी बढ़ोतरी संभव है। रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर पाएंगे। रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक टेक अवे सुविधा का समय बढ़ना संभव हुआ। ठेलों पर सभी तरह के सामान बेचने की अनुमति होगी। चाट पकौड़ी के ठेलों को अनुमति मिल जाएगी। अनलॉक 2 में पाबंदी कहां कहां रहेगी, चलिए ये देख लेते हैं। शादी समारोह पर पाबंदी जारी रहेगी। हाट बाजार, मेलों पर पाबंदी रहेगी। एसी मार्केट, मॉल्स, एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, पार्क, गार्डन बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद रहेगी और सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक समारोह भी बंद रहेंगे। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक केंद्र बंद रहेंगे। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।